नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। शराबबंदी के बाद अब तार के पेड़ से नीरा उतारकर लोगों को पिलाने की सरकार की योजना धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगी है। इसे देखते हुए इस साल बिहार में नीरा का उत्पादन लक्ष्य दोगुना कर दिया गया है। बता दें कि नीरा उतारने में 16,000 लोगों को लगातार रोजगार दिया जाएगा। सबसे अधिक नालंदा में 18,00,000 लीटर नीरा उत्पादन का लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। रविवार को इस ब्रिज पर ट्रॉली कार चलाकर ट्रायल किया गया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अंजी नदी पर बन रहे भारत के पहले केबल रेलवे ब्रिज का काम भी पूरा होने वाला है। उत्तरी रेलवे के मुताबिक मई तक इस ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा। बीपीएससी 68वीं प्री का रिजल्ट आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया। इस बार कुल 3,590 अभ्यर्थी पास हुए हैं। बता दें कि इस बार 68वीं बीपीएससी प्री का कट ऑफ भी बेहद अलग है। अनारक्षित यानी जनरल का कट ऑफ 91, महिला का 84, ईडब्ल्यूएस का 87.25, एससी का 79.25, एससी महिला का 66.5, एसटी का 74, एसटी महिला का 65.75, पिछड़ा वर्ग 87.75 और ईबीसी का कट ऑफ 86.5 रहा। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने प्रियंका गांधी द्वारा पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जो लोग राजनीति में नए आते हैं, बड़ों का मर्यादा का पालन करना नहीं जानते। वह बड़े घर की बेटी हैं, शब्दों का चयन करना सीख ले तो अच्छा है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 16वां दिन है। सदन के अंदर प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक पवन जायसवाल सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से तय समय पर सड़क दुर्घटना में मृत या गंभीर रूप से घायल लोगों को परिजनों का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, जिसके बाद विभागीय मंत्री जवाब देने के लिए खड़ी हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फंसती हुई नजर आने लगी। तभी वित्त मंत्री विजय चौधरी एक बार फिर से उनके बचाव में आ गए और सरकार को पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट में आज बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर सुनवाई होनी थी। इससे पहले एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक दोषी बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रहा है। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि इस दानव को जेल में होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार को सत्ता से बाहर कर देना चाहिए जो इस तरह के लोगों का समर्थन करती है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि भाजपा के छोटे से लेकर बड़े नेता सब पूरे मक्खन का कनस्तर लगाकर बोल रहे हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलना पिछड़े वर्ग का अपमान है। मुझे तो हंसी भी आती है। हम उन्हें 25 जुलाई 2015 का दिन याद कराना चाहते हैं, जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे। श्री नीतीश कुमार जी किस वर्ग से आते, जरा बीजेपी के नेता जवाब तो दें। सरकार ने एक्सरे मशीन और नॉन पोर्टेबल एक्सरे जनरेटर के आयात पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15% कर दिया। यह वृद्धि 1 अप्रैल से लागू होगी। अभी एक्सरे मशीन, नॉन पोर्टेबल एक्सरे जनरेटर और अन्य सामान पर 10% की दर से आयात शुल्क चुकाना पड़ता है। आज यानी 27 मार्च को चैती छठ पर्व का सबसे मुख्य दिन है। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, फिर इसके अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इस पर्व का समापन किया जाएगा। सूर्य देव की उपासना का ये महापर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर सप्तमी तिथि तक रहता है। इस दौरान भगवान भास्कर यानी सूर्य देव की आराधना की जाती है। इस साल ये पर्व 25 मार्च से शुरू हुआ है और इसका समापन कल यानी 28 मार्च को होगा। आज से सीआरपीएफ भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। दरअसल सीआरपीएफ को कांस्टेबल की जरूरत है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सीआरपीएफ ने कांस्टेबल के 9,212 पदों पर आवेदन मांगे। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस की शुरुआत 27 मार्च सोमवार यानी आज से हुई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की मांग की गई है। अधिवक्ता अशोक पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मौके पर एक दीवार बनाने की मांग भी की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को कहा था कि वह राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करेगी। इस हफ्ते आसमान में अद्भुत नजारा दिखने वाला है। चंद्रमा के पास बुध, बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस और मंगल एक साथ दिखाई देंगे। अगर आप इस तमाम ग्रहों को एक साथ देखना चाहते हैं तो फिर मंगलवार को आसमान में अपनी नजर बनाए रखें। नासा के खगोल शास्त्री बिल कुक के मुताबिक आसमान में ग्रहों का अद्भुत नजारा सूर्यास्त के बाद पश्चिमी क्षितिज की ओर देखा जा सकता है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद रहे राहुल गांधी भी आर्कर सावरकर पर बयान देकर राजनीतिक रूप से घिरते नजर आ रहे हैं। मीडिया में चल रही एक खबर के मुताबिक राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी के साथ साथ उनके कुछ सहयोगी दलों को भी असहज कर दिया है। राहुल गांधी ने बीते शनिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी ने ये बात उस सवाल के जवाब में कही थी, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वो संसद सदस्यता जाने के बाद उस टिप्पणी के लिए माफी
मांगेंगे, जिसे सूरत की अदालत ने मानहानि करार दिया है। ट्विटर दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। पिछले साल एलन मस्क ने इस कंपनी को खरीदा था। हालांकि सोशल मीडिया कंपनी में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से बड़ा संकट खड़ा हो गया। दरअसल ट्विटर के सोर्स कोड के कुछ हिस्से ऑनलाइन लीक हो गए हैं। ट्विटर को शक है कि किसी पूर्व कर्मचारी ने यह हरकत की। इस घटना से एलन मस्क की कंपनी में खलबली मची है। कंपनी के बचाव के लिए अमेरिकी कोर्ट का रुख किया है। मोदी सरनेम को लेकर एक और विवाद शुरू हो गया। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। 2018 के इस ट्वीट में मोदी सरनेम का कनेक्शन भ्रष्टाचार से जोड़ दिया गया है। ट्वीट के वायरल होने के बाद खुशबू सुंदर ने यह भी कह दिया है कि वो इसे डिलीट नहीं करेंगी। ये ट्वीट तब सामने आया जब मोदी सरनेम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर विवाद हो रहा है। इस बयान के चलते अदालत उन्हें अवमानना का दोषी ठहरा चुकी है। देश के 14 राज्यों के 29 जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 10% के पार चली गई। राज्यों के साथ जिलावार संक्रमण स्थिति साझा करते हुए सरकार की रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 88 जिले चपेट में। हालांकि अभी भी 500 से ज्यादा जिलों में कोरोना का संक्रमण 5% से नीचे है, जो कि वैश्विक मानकों के मुताबिक नियंत्रित स्थिति मानी जा सकती है। लेकिन कुछ राज्यों के जिलों में संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि यहां सुपर स्प्रेडर को रोकना बहुत जरूरी है। रिजर्व बैंक अप्रैल महीने के शुरुआत में मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक करने जा रहा है। मुद्रास्फीति के 6% के संतोषजनक स्तर के ऊपर बने रहने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत कई केंद्रीय बैंकों के आक्रामक रुख के बीच भारतीय रिजर्व बैंक भी अगली मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर में 0.25% का इजाफा कर सकता है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक वित्तीय संकटों से घिरा हुआ था और आज इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आज इस बैंक को फर्स्ट सिटीजन बैंक ने खरीद लिया है। बैंक को आर्थिक संकट से निकलने के लिए फर्स्ट सिटीजन बैंक शेयर इंक ने इसे फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से खरीद लिया है। नए वित्त वर्ष इनकम टैक्स के नियमों में कई बदलाव होने वाले। आयकर स्लैब में कर छूट की सीमा में बदलाव, कुछ डेट म्यूचुअल फंडों पर कोई LTCG का लाभ नहीं मिलेगा। ये ऐसे कुछ प्रमुख बदलाव हैं जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि रविवार को अरुणाचल प्रदेश में हुए G20 की गोपनीय बैठक में चीन शामिल नहीं हुआ। ये बैठक अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित की गई थी, जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और चीन का दावा करता है कि वो तिब्बत का हिस्सा है, और भारत ने अतीत में इस तरह के दावों को खारिज कर दिया है। अरुणाचल को अपना अभिन्न अंग बनाए रखा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित इस बैठक में 50 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कैग की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार मृतक किसानों को भी पीएम किसान योजना का लाभ दिया गया। ऐसे सरकारी कोष को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। खास बात यह है कि राज्य सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी इस पीएम किसान योजना का लाभ उठाया है। रिटायर्ड लोगों को भी करीब 1.31 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। देश में कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर काफी प्रदर्शन हो रहे हैं। कई राज्यों में इसको लागू भी कर दिया गया है। इसी वजह से केंद्र सरकार में इसको लेकर मांग काफी तेज हो गई है। फिलहाल अभी तक इसके केंद्र सरकार के लेवल पर लागू नहीं किया जा रहा है और इस तरह की चर्चा भी नहीं है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में गारंटीड रिटर्न पर वित्त मंत्रालय समीक्षा कर रहा है, जिसमें प्लान बनाया जा रहा है कि कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम में ही ओल्ड पेंशन का फायदा मिल जाए। गुलाम नबी आजाद ने रविवार को राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म कर जाने वाले फैसले को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पहले लालू प्रसाद यादव को अयोग्य ठहराया गया था और अब राहुल गांधी अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी संसद और विधानसभाएं खाली हो जाएंगी। 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम बदल रहे हैं। अब 3 साल से अधिक समय के निवेश पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। नए नियम उन डेट म्यूचुअल फंड पर लागू होंगे जिन्होंने इक्विटी मार्केट में 35% से कम निवेश कर रखा है। इसके तहत निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इस कारण निवेशकों को पहले से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सरकार इस कदम के जरिए बैंक FD और डेट म्यूचुअल फंड को समान स्तर पर लाना चाहती है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 21वीं शताब्दी में भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो 50 वर्षों तक भारत माता के लिए सब कुछ समर्पित कर दीजिए। केंद्रीय मंत्री रविवार को ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित श्री राधा पार्थसारथी मंदिर के रजत जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संचार फर्म वनवेव ने कल आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसरो LMV-3 रॉकेट से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही लंदन स्थित कंपनी के इन ऑर्बिट फर्स्ट जनरेशन तारा मंडल का कुल बेड़ा 618 हो गया है। उपग्रह संचार सेवा प्रदाता कंपनी वनवेव के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पर हस्तक्षेप और इसरो रॉकेट उपलब्ध कराने में भारत सरकार के समर्थन ने रविवार को वनवेव के 36 उपग्रहों के अंतिम सेट के महत्वपूर्ण प्रक्षेपण का रास्ता साफ किया है।
रेलवे यात्रियों के सफर को और सुहाना बनाने के लिए कई तरह की सुविधाएं शुरू करता रहता है। इस बार रेलवे शताब्दी, जन शताब्दी और इंटरसिटी ट्रेनों को वंदे भारत ट्रेन से रिप्लेस करने जा रही है। आपको बता दें कि इस समय पर इन ट्रेनों में हर दिन लाखों यात्री सफर करते, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। रेलवे ने बताया कि वह इन तीनों ही सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को वंदे भारत से रिप्लेस करने का प्लान बना रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद में योग्यता रद्द करने पर उनकी बहन और नेता प्रियंका वाड्रा ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही उनकी पार्टी को परिवारवाद कहने पर भी उन्होंने बीजेपी पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। प्रियंका गांधी के इस बयान पर अब फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने चुटकी ली। उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को फिल्म मेकर करण जौहर की फिल्मों में काम करने की सलाह दे डाली है। जब कभी आपने अपने कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल का फ्यूल टैंक पूरा भरवाया होगा तो आपने देखा होगा कि टैंक में वाहन कंपनी के दावा किए गए मात्रा से अधिक फ्यूल भरा जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि आप फ्यूल टैंक को कभी भी पूरा न भरवाएं। 6 मार्च 2023 को जारी हुए एक नए सर्कुलर में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वाहन मालिकों को फ्यूल टैंक को कभी भी फुल न करवाने की एडवाइजरी जारी की है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे। सोमवार को लगातार 6वें दिन 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। कोविड के देखते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण आज शाम को कोविड 19 की तैयारियों की समीक्षा के राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक करेंगे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखा दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, नुन्नू गोलू कुमार, एचके मल्होत्रा, संजय चौधरी एमडी, साकिर हुसैन, कन्हैया कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, त्रिलोक कुमार, नौसाद अंसारी, अंशुप्रिया, विजय सिंह और महेंद्र कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कोरोना के मामले फिर से बढ़ते दिख रहे हैं, इसके बचाव के लिए आप कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।